मंडला से है, जहां मंडला में 24 दिसंबर से देश के युवा जादूगर प्रिंस देंगे मनमोहक प्रस्तुतियां। देश के युवा बहुत चर्चित जादूगर प्रिंस अपनी मायावी जादू कला कौशल कारनामे के साथ दिनांक 24 दिसंबर से मंडला के सत्कार सेलिब्रेशन डिंडोरी नाका के पास मंडला में अपने भव्य मनमोहक रंगीन मायाजाल की प्रस्तुति देंगे। अनगिनत जादुई तकनीकों से भरा इनका यह भव्य माया संसार स्वच्छ पारिवारिक मनोरंजन है, जिसे परिवार के साथ सभी सदस्यों के साथ देखा जा सकता है। जादूगर प्रिंस हर बार कुछ नया और बेहतर तथा नई नई जादू तकनीकों से युक्त होकर अपनी जादुई कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जादू तकनीकें आज देश में भी बहुत चर्चित हैं। यातायात के नियमों का पालन करना, लड़की का नागिन में बदल जाना, रुपयों की बारिश होना, तिलिस्मी मीना बाजार, हवा में अघर लड़की को परिलोक जाना, इस प्रकार के अनेक श्रृंखलाबद्ध जादू कला तकनीकें उपस्थित रहेंगी। देश के सबसे युवा जादूगर प्रिंस कुछ ही दिनों के लिए आपके शहर मंडला में आए हुए हैं। दिनांक 24 दिसंबर से प्रतिदिन 200 4 बजे एवं 7 बजे, रविवार को 300 दोपहर 1 बजे 4 बजे और 7 बजे शो प्रस्तुत करेंगे। विशेषकर बालकों बड़ों वृद्धों के लिए हास्ययुक्त एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र होंगी। बट ड्रेस फास्ट चेंज होना, घोड़ा गायब करना, लड़की को नागिन बनाना, गोरिल्ला बनाना, ऐसे काफी सारे बहुत सारे आइटम्स हैं। जबकि हम लोग स्टेज पर बना देते हैं जंगली जानवर, पर एक्चुअल में क्या उसका ओरिजिनल रूप देखा जाए तो कृत्रिम है, थोड़ा इल्यूजन रहता है वो। जी, क्योंकि जंगली जानवर तो भी क्या सरकार ने बैन करके रखे हैं। और क्या नई चीजें देखने मिलेंगी अपने को? सर आपको पूरा शो ही नया मिलेगा। अच्छा, बच्चों के लिए क्या इंटरेस्टिंग है? बच्चों के लिए सभी जितने भी जानवर वाले आइटम होते हैं बच्चे काफी इंटरेस्ट लेते हैं, तो सभी बच्चों के लिए। कोई ऐसा विषय रखे आप जो समाज हित में प्रेरणा बने? काफी सारे सभी 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 इसमें हम लोग किडनैपिंग पे, लेडी किडनैपिंग पे हम लोग दे रहे हैं, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या पे हम डोज जब लगा था उस टाइप पे हमारा शो हो रहा था, चल रहा था उस टाइप पे महाराष्ट्र में। सेकेंड डोज में जो उस वैक्सीनेशन के लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किए हैं अपने शो के माध्यम से, लोगों को जितने भी लोग 80% कैपेसिटी करके अपना शो कर रहे हैं।